तेरा सेशन कैसा लगा? और ये यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह थी। ओह माय गॉड, पीके से ले रहे हैं लोग मोटिवेशन। करीबन कोई 8-10 किलोमीटर धक्का दिया था। यस यस, मेरे हिसाब से तो सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। और मैं लिटरली ये ब्लॉग डालने वाला हूँ, तो आप लोग अपनी फैमिली को दिखाना। व्हाई यू? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि हमें एक्चुअली हम दो को बुलाया गया था, लेकिन वो तो आएगा नहीं, मेरा जो दोस्त है, तो मुझे जाना पड़ेगा, एक लेक्चर डिलीवर करना है। अच्छा गाइज, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता था कि आज जब मैं ये अपना लेक्चर डिलीवर कर लूँगा, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा इंस्टाग्राम ID और हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी गाइडेंस चाहिए मुझे, आप एक बार फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वो क्वेरी कर सकते हैं, तो मुझे पूछना ज़रूर, शर्माना मत, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना जब आप जिस कॉलेज से पास आउट हो वहीं पे आपको लेक्चर डिलीवर करना पड़े, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। सी यू। मैं निकल गया हूँ घर से अभी कॉलेज की तरफ, रास्ते में ही हूँ। कॉलेज वासी हो, जैसे मैं कॉलेज आऊँगा देन विल हैव सम फन। तो गाइस फाइनली पहुंच गया कॉलेज, मैंने स्कूटी को पार्क कर लिया है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां से एंट्री, कॉलेज की एंट्री कहां पे है, कहां पे हम लोग बैठा करते थे। और मेरे को पता नहीं अभी कितने बच्चे यहां पे हैं, कितने नहीं हैं, कुछ तो निकल रहे थे, कुछ यहीं पे थे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से उतर के। ये है कॉलेज की सीढ़ियाँ, ये अपने कॉलेज का गेट, सीधा मेरे को पहुँचना है प्रिंसिपल ऑफिस में, और वहाँ से परमिशन लेके अंदर फिर पूरा रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था अपने कॉलेज का एंट्री लोकेशन, यहाँ से हम लोग आते थे, और यहाँ से नीचे के 3 फ्लोर और हैं जिसमें हमने अपनी क्लासेस अटेंड करी उस टाइम पर, और यहाँ से अंदर है प्रिंसिपल ऑफिस। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना म्यूज़िक रूम जब हम यहाँ पढ़ते थे। ये है अपना म्यूज़िक रूम यहाँ पे, अब तो काफ़ी सजा भी दी है, पहले तो सिंपल था। हेलो हेलो, सो ये है यहाँ के स्टूडेंट्स, और ये मिस्टर फ्रेशर, कौन सी ईयर के? अब सेकेंड में, तो कुछ सुनाएंगे अपनी मधुर आवाज में, ताकि आप लोगों को ब्लॉग में डाला जा सके। तो सब शर्माना मत, शर्माना मत, अभी एनर्जी दिखाओ थोड़ी। चलो गाइस, और ये है अपने गुरुजी, सर से हेलो। हेलो, हमारे बारे में क्या बोलेंगे सर आप, जो हम यहाँ पर थे? हमारे पास तो जैसे आप स्टूडेंट थे वैसे ही नए स्टूडेंट्स आए, ये तो कारवा है, एक बैच निकलता है दूसरा बैच आता रहेगा। मज़े तो बहुत किया, आप तो करियर है। हम भी थोड़े उस वक्त यंग थे। नहीं नहीं सर, यू आर ऑलवेज यंग। सर यंग होते ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी आपका वो एक्सपीरियंस, जब हम यूथ फेस्टिवल गए थे, शायद कुल्लू में यूथ फेस्टिवल था, और हम शायद यहाँ से भुंतर के पास हमारी हुई थी, तो आप लोगों ने करीबन कोई 8-10 किलोमीटर धक्का दिया था। यस यस, सर के साथ बहुत तगड़ी मेमोरीज है हमारी इस कॉलेज में, बहुत तगड़ी मतलब। और हम लोगों का एक, अब तो खैर सर नंबर वन पे आते हैं, उस टाइम पे तो हम उसमें, उस वक्त हमारा कॉलेज का क्या था, कमेंडेबल और हाईली कमेंडेबल ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा में तो हम लोग मतलब झूम जाते थे लोग जब हम बजाना शुरू करते थे। अब तो खैर नंबर वन चल रहा है सब, सर ने बहुत तगड़ा काम रखा हुआ खींच के। बट एनीवेज गाइस, जैसा भी बोलो, सर की गाइडेंस के अंडर में यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, वो आगे चल के कभी ना उनको ऐसा नहीं फील हुआ कि हमें गाइडेंस गलत मिली, और सर को कभी भी लाइफ टाइम अब मिलो, सर ऐसे ही मिलेंगे, यंग एनर्जेटिक। और सर NCC के भी कैप्टन हैं, कौन सी उस पर सर आप अभी पोस्ट पे NCC में? यहाँ पे एसोसिएट NCC ऑफिसर एज ए कैप्टन। नहीं सर, बट रियली नाइस, आपके साथ बहुत सही एक्सपीरियंस था। अब देखते हैं, अब आते रहेंगे इस कॉलेज में, आपकी गाइडेंस। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर अपने पर्सनल पड़ोसी भी है, तो हमारा तो चलता रहता है साथ में, ठीक है।
तो भी म्यूज़िक वाले सर से मिलके वापस प्रिंसिपल सर के पास जाना है, उनसे परमिशन लेनी है, फिर सबको लेक्चर देना है थोड़ा फर्स्ट ईयर वालों को। मेरे को भाई लोग देख के ना थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देंगे, पर कोई बात नहीं। तो ये वाला जो यहाँ पे स्टेडियम जो ये बनाए LBS स्टूडेंट, तो पहले नहीं था, अब बन गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग डांस किया करते थे सामने, इधर वॉलीबॉल के मैच होते थे, उधर कुश्ती। अब तो यहाँ बैठने का बन गया सब कुछ। अभी जा रहे हैं बच्चों को लेक्चर देने, और देखते हैं कितने लोग इकट्ठे हुए। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरा टीचर क्या है यहाँ पे आने का रीजन है? कोई जानता है मेरे को? इनका नाम है प्रदीप कुमार, मैं बेसिकली जुबल से हूँ। मैं 2015 पास आउट हूँ यहाँ से, लग रहा है उनको देख के आपके पर्सनैलिटी पे काम किया। हाँ, जुबल सर ने बोला कि आपको अटेंड करना चाहिए यहाँ पे आके ये सेशन, और जितने लोग यहाँ पे ना इस वजह से बाहर रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अभी तक सबको लग रहा होगा ना, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे जिनको ये पता है कि मेरे को क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन? सबको पता है? सब ने दिए गए यस? मैं सर नहीं, प्लीज सर मत बोलना, ठीक है? सबको पता है जी? सबको क्या करना है? चलो आप बताओ, खड़े मत हो, बैठे जोर से, प्लीज साइलेंस करो। मेरे बीए के बाद एमए के बाद मैंने स्टडी के बाद बताओ क्या करना है, मतलब ये आप लोगों को ये बोल रहा हूँ मैं। रीज़न इज कि आप लोग जो भी डिसाइड करके बैठे हो ना कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, वो ना एक ड्रीम है, दैट्स नॉट अ रियलिटी। मैं बोल रहा हूँ रियलिटी इज रियली डिफरेंट और बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बीए के बाद द ओनली ऑप्शन इज कॉल सेंटर, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कर रहे हैं, अगर आप बीएड नहीं कर रहे हैं, बीएड करने के बाद भी तो जॉब ही करोगे ना, कहीं तो करोगे। कितने को लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत ईजीली मिल जाएगी? है कोई? है ना? कितनों को ऐसा लगता है कि तुमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? अरे जस्ट गिव मी आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई आगे चेक थोड़ी करूंगा, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा। कितनों को लगता है कि अपना बिजनेस करना चाहेंगे फ्यूचर में आगे चल? कोई भी नहीं। जॉब, चलो उन्होंने हाथ खड़ा किया है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ जॉब करना चाहते हैं जॉब करो, बट जॉब करने के लिए क्या चाहिए? एनीवन जॉब करने के लिए क्या चाहिए? स्किल, राइट, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो कुछ नहीं। हमारा ना माइंड सेट जो होता है ना इस जगह पे रह के, हम क्या सोचते हैं कि आप 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, 8-10 की मिल जाएगी तो चल पड़ेगा, विच इज़ क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये पड़ा है कि बेटा नौकरी कर लो, छुट्टी मिल जाए शुरू तो कर लो, ठीक है ना, छुट्टी मिल रही है, बट अगर तुमने अपना कम्युनिकेशन सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तुमको तुम्हारी वर्क पता होनी चाहिए कि तुम कितने नाकाबिल हो। अभी मैं किसी को बोलूँगा आपकी सेल्फ वर्थ बताओ, पैसों में बताओ कितनी क्या वर्थ है तुम्हारी, तो आप लोग हिचकोगे। मैं किसी को डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी इज दैट। अब मैं आपको मेन मुद्दा बताता हूँ क्या है। आपके कॉलेज में एक कोर्स आया है बीवॉक, सबको पता है ना, सारे जानते हैं बीवॉक आया। किसी ने उसको गूगल पर सर्च किया? मैं बीवॉक का कोई कंसल्टेंट नहीं होता ना, ये मत सोचना मेरे को कमीशन मिल रहा है या मैं पढ़ाने आऊँगा, ठीक है? बीवॉक को अगर आप कभी चेक करना है गूगल पे सर्च करना, हिमाचल में कुछ गिने चुने ही ये कॉलेजेस हैं, 8 या 9 हैं जो ये करवा रहे हैं। दूसरा, ये बीवॉक में आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, टूरिज्म, रिटेल सेल्स, पॉटरी और मर्चेंडाइज डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, ब्रांड डिजाइनिंग, और ये सारी चीज़ें आपको जब मिल रही है सावड़ा में। मैं बोल रहा हूँ 2012 में मेरे को ये मिला था ना, मैं कुछ करते ही नहीं, इसमें आ जाता तुरंत, पर आज के टाइम में मैं कुछ और ही कर रहा था, तो ठीक है, मैंने जो कर लिया मैंने अपने स्ट्रगल से सीखा। तो बी वॉक के साथ आपको मैं एडवांटेज बताता हूँ क्या है। एक तो पहली बात, ये सेम डिग्री है जैसी आपकी बी ए बी ए बी कॉम की है, सेम वैल्यू है सब कुछ। आप कहीं भी जाओगे ना, इंटरव्यू दोगे, आप लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें आपको स्किल सिखाएंगे। एक बहुत ही तगड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट बोल लो या फिर कुछ सेम है, कि आप अपने सिर पे 60 किलो उठा के आप यहाँ पे खड़े हो पूरे दिन भर, तो आप लोगों ने काम किया क्या लगता है? क्या हम उसको काम बोल सकते हैं? आपने मेहनत किया दिन भर 60 किलो लेके सिर पे खड़े हो यहाँ पे, वो काम नहीं है, वो आपकी मेहनत नहीं है, वो आपकी बेवकूफ़ी है। लेकिन आपने अपने सिर पे 20 किलो लेके भी इतना भी मूव किया ना, देट इज़ कॉल्ड वर्क।
एफर्ट, आपने एफर्ट किया है, तो आप लोगों के सामने बी वॉक एक ऐसी चीज है, वो रखिए, आप लोग बस उसको लेके ऐसे करना, करना नहीं है उसको, पढ़ा है बस वहाँ पे। क्योंकि हमारे एरिया में क्या माइंड सेट रहा कि भाई बच्चों बी ए कर लो, बी कॉम कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, बी एड करो, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है करने का, प्लीज डू इट। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ना बुरा नहीं है, बट आर्ट्स की वो सब्जेक्ट आपको वहाँ भी मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में, जो भी होगा सब्जेक्ट होंगे। आप लोगों को ऊपर से देखो, हमेशा नीचे से मत देखो, नीचे से बड़ी देखो, ऊपर से देखोगे ईगल आई अप्रोच बोलते हैं। जब आप ईगल को देखोगे ना, उसमें शिकार छोटे दिखता है नीचे, क्यों? क्योंकि ऊपर से देखते हैं, नीचे जाके दिखना मर्जी बड़ा है। अभी सबकी लाइफ में मिजरेबल चल रही होगी चीज़ें, आप लोग कॉलेज तो आ गए, 3 साल पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बी वॉक की तरफ एक बार सोचो, समझो, उसके बारे में रिसर्च करो। इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को उसका कोई नुकसान है, सेम डिग्री डिप्लोमा, जो डिग्री सेम है, प्रोफेशनल है। अगर आप लोग उसको सर्च करोगे ना, किसी ने इन कंपनीज का नाम सुना है, IBM कंसेंट्रिक्स जेनपैक, प्लीज प्लीज कम इन। बी वॉक के साथ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, तो जब आप पास आउट होते हो, आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी जो मार्केट में उसमें बताई गई है, वो 4 लाख से 6 लाख के बीच में, मतलब 25,000 रुपये स्टार्टिंग आपको मिलेगा। दैट्स नॉट अ बैड यू नो सैलरी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो टू लर्न समथिंग, आपके लिए 25,000 से 30,000 की सैलरी इज गुड। पर्सनल डेवलपमेंट भी तो जरूरी है ना यार, अगर पर्सनल नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ोगे, कॉपी लेके लिखना है, नोट्स बनाना है, उससे नहीं होगा। बात करने को भी तो आना चाहिए, बात ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं किसी एक को बोलता हूँ आके अपना इंट्रोडक्शन दे दो, यहाँ किसको पॉइंट आउट करो, किसको अब देखो सबकी मुंडी डाउन होगी। और मैं लिटरली ये ब्लॉग डालने वाला हूँ, तो आप लोग अपनी फैमिली को दिखाना, व्हाई यू गाइस नीड टू चूज बी वो। अब लड़का चाहिए, चलो मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज पहले। माय नेम इज आस्था देस्ता, आई एम फ्रॉम रोडान, आई एम डूइंग बीए एट एलएस कम्युनिटी कॉलेज। अच्छा। माय नेम इज पवन, आई एम फ्रॉम कुड्डू। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि थोड़े से नर्वस हो गए, क्योंकि इनको लगा कि ये इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है, इन्होंने इंग्लिश बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश बोला, बिकॉज शी इज कम्फर्टेबल इन इंग्लिश। आप अगर हिंदी में कम्फर्टेबल है तो आप हिंदी में बात करिए, बट कॉन्फिडेंटली बात करिए। नहीं आप लोग बैठ जाओ प्लीज, बहुत सही है, बहुत सही है, कॉन्फिडेंस आप लोगों ने ट्राई करो, क्लैपिंग करो भाई। किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, सबको मजा आया, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा? क्या मेरे को दोबारा आना चाहिए? तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, 2015 के बाद पास आउट है, आज मैं सर के सामने खड़ा हूँ और सर यहाँ पे हैं। सो सर को सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि सर यहाँ पर प्रिंसिपल बने हैं, सो कंग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। और सर आप प्लीज़ ये जो बी वो आपके पास यहाँ पर नई डिग्री है, उसके बारे में आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? एग्जैक्टली पूरे देश में एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके। यूजीसी की तरफ से भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, इस पर स्ट्रेस है कि हमारे कंट्री में अगर हम इस टाइम देखें, स्किल पीपल की बहुत कमी है, अराउंड 10% भी नहीं है। आप डेवलप्ड कंट्री में देखें, जापान है, चाइना है, कोरिया, 70-90% लोग वहाँ स्किल्ड होते हैं। जब स्किल्ड है तो नेचुरली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो जॉब्स के लिए स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो अक्सर मिलते ही नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने नए प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें एक बी वॉक भी है, जिसके अंडर हमारे कॉलेज में 2 कोर्सेज शुरू है, एक टूरिज़्म का है, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट का है। एक इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ्स के लिए, जो स्पेशली इजीली जॉब चाहते हैं, मार्केट सेक्टर में जाना चाहते हैं, फ्यूचर में अपना इंडिपेंडेंट रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। right. हम चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में भी बहुत से सारे बच्चे इन कोर्सेज को अपनाएं, सिंपल बीए करने, बीएससी करना, बीकॉम करना उतना मुझे लगता है बेनिफिशियल नहीं रहेगा कि जितने इन कोर्सेज में फ़ायदे हैं। right. एक तो आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड दे रही है 2 साल के लिए, उसके बाद आपका प्लेसमेंट का भी 100% श्योर है कि आपकी प्लेसमेंट होगी। right. फिर भी अगर कोई बच्चा मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं चाहता है, कि वो चाहता है कि मैं अपना खुद का रोज़गार क्रिएट करूँ, तो उसके लिए भी स्टार्टअप में गवर्नमेंट हर एक बच्चे को जिसके पास ये डिग्री है उसको लोन्स देती है। लोन्स में भी कंसेशन है, 25% सब्सिडी है, गर्ल्स के लिए 35% सब्सिडी है, और फ्यूचर इसी का ही है। आप देख रहे हैं हर जगह
रिटेल है आपका टूरिज्म है घर घर तक पहुँच रहा है और फ्यूचर में तो होना ही होना है right. तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो अवेल करना चाहिए. हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करें. मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले अगर मैं 2013 में होता 2012-13 में मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए ऑप्टेन करता. बट अब सर कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो यही कोर्स अगर आपको करने पड़े तो मुझे लगता है कोई लैक्स में आपको फीस देनी पड़ेगी उससे कम नहीं बनती बात. और गवर्नमेंट क्या मुझे लगता है अराउंड 3200 आपकी फी है एनुअल फी है वो भी सेम ही है वो जो आप जितने MBA में तो जो सर वो फीस का आप बता रहे थे जो जिन्होंने फीस दे दिया जो शिफ्ट हो जाए इसीलिए हम शिफ्ट कर सकते हैं उनकी फीस जो है वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी और अकॉर्डिंगली फिर जितने भी फैकल्टी है वो यहाँ पे आ जाएगी. मतलब फैकल्टी एग्जैक्टली 50% हमारी रहती है 50% बाहर से आएगी. तो नेचुरली कई अब इनका कंपनीज के साथ हैं क्योंकि वही प्लेसमेंट ड्राइव देखती है आगे वही प्लेसमेंट करनी है तो वो भी थोड़ा चाहते हैं कि बच्चे कम से कम एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हो right. उसे क्लासेस को कंडक्ट करना भी ठीक रहेगा उसकी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी उनको बाहर कहने जाना आसान रहता है अगर ग्रुप आपका बड़ा है. ठीक है सर मैं तो यही समझूंगा कि अब सर की गाइडेंस के अंडर में अगर किसी को भी अटेंड मतलब ये कोर्स में आना है तो सर से वो डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं नहीं तो मेरे साथ तो यही आप अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाना. तो सर थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए और आपके गाइडेंस में यहाँ पर जितने बच्चे हो ज़रूर आगे कामयाब होंगे एंड मैं आता रहूँगा कॉलेज में. एलुमनाइज़ को हमारी बड़ी ग्रोथ है जितने एलुमनाइज़ है और रोज आए इंटरेक्ट करें yes, जब भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है बड़ी खुशी की बात है जैसे आप जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच सर एंड विल मीट अगेन मैं आता रहूँगा इस कॉलेज में. थैंक यू फॉर योर गाइज मैं मिला हूँ आज अपने यूट्यूबर फ्रेंड से जो कि इसी कॉलेज में अब स्टूडेंट नहीं है और ये है अब टीचर ये पढ़ा रहे लोगों को. इनका नाम है शिवानी और इनका चैनल है Exploring World with Shivani. Yes, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना. एंड हमारी इस कॉलेज में यादें बहुत तगड़ी है मतलब हम क्योंकि हम सीनियर और जूनियर थे तो लेकिन जब भी हम थे बहुत मस्त था वो टाइम अभी तक याद है सबको. हाँ मुझे तुम्हें देख के लगा कि मेगा पीके की तरह दिखने वाला एक और छोटा लड़का आ गया. नहीं आज तो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं दोबारा से कॉलेज में आ गया हूँ पढ़ने और क्लासेस खत्म हो गई है अब चले घूमने फिरने वो वाला सीन है. और तो ये यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आ गया. ओ माय गॉड पीके से ले रहे हैं लोग मोटिवेशन जो पीके हो का जो पहले इतना डीमोटिवेटेड था कभी पर अब नहीं है. नहीं पहले भी नहीं था तुम कभी यार प्रोएक्टिव इन योर कॉलेज टाइम. बाय बाय सी यू आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाय. तो गाइस अभी फाइनली कॉलेज से निकल के अब चले घर की तरफ और आज का सेशन बहुत सही रहा है. मैं चाबी तो नहीं गुम कर गया. सेशन सही रहने के बाद में अब घर जाना भी ज़रूरी है. दिन का टाइम हो रहा है 2:36 और मेरे पास GoPro में बैटरी भी नहीं था मेरे को नहीं बता आगे कितना चलेगा बट ठीक है मुझे उससे पहले क्लोज़ करना था. बट द सेशन वॉज रियली गुड और जितने मेरे आज नए सब्सक्राइबर बने वो लोग इस वीडियो को देख के शेयर जरूर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना. बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा आगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सी यू. बीच में जो भी रहता है मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा. मिलते हैं एक और नए व्लॉग में.